हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टीचर एंड्रॉयड एम के चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो हमारे प्रिंटर में जो प्रिंटिंग लेते हैं आप किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो ये लाइनिंग प्रॉब्लम कैसे आती है और जो ये प्रिंटिंग में जो क्लियरिटी नहीं आ पाती वो किस लिए नहीं आती है, तो इसके बारे में हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो के लिए तो रेगुलर इस वीडियो को देखते रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये प्रॉब्लम आपको जो लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है और जो क्लियरिटी नहीं आ रही है आपकी प्रिंटिंग में, वो क्यों हो रही है? ये किसी भी प्रिंटर में हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पे आप ये ध्यान रखें कि जो ये कार्टिज वाले प्रिंटर है उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपकी कार्टिज एक बार आपने बाई करी है, बाई करने के लिए आपने ऑनलाइन ये कार्टिज मंगा ली है, ठीक है, कार्टिज भी थोड़ी महंगी पड़ती है, कॉस्टली, लेकिन फिर भी आपने मंगा ली है, और इसमें यदि एक बार आप पूरी यूज करने के बाद और आप खुद ने आपने घर पे इस पे इसको रिफिलिंग की है, तो रिफिलिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। रिफिलिंग करने का ये तरीका है, आप रिफिलिंग अगर सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो ये जो लाइनिंग प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग में, इस वजह से ही हो रही है। तो आपको इसकी रिफिलिंग अच्छी तरीके से करनी है, और रिफिलिंग करने के बाद आप एक थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। यदि आप रिफिलिंग इस प्रकार से करेंगे तो आपको एक बार सेक्शन प्लॉट स्लॉट के माध्यम से आपको इसको फिट करना है इसमें सेक्शन स्लॉट में। यदि आपने इसमें स्याही भर दी है ना कार्टिज में, तो आपको इसको वापस बैक में रिवर्स में लेना है। जो आप सिरिंज लगा देंगे इसके पीछे देखिए होल सा बना हुआ है, यहाँ पर आप जो ही कनेक्ट करेंगे तो आपको इसको वापस इंक को बाहर निकालना है। ये देखिए मैं इंक को बाहर जो ही निकालूंगा तो ये इंक हो निकालेगा। ये देखिए अब ये सिरिंज में जो ही इंक यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है, रेगुलर, तो आप समझ जाए कि आपकी कार्टिज प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। तो इसलिए मेरे ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने कार्टिज बताई है। यदि आप रिफिलिंग करेंगे तो आपके इंक इसमें से बाहर निकलने लगेगी। आपको ये भी नहीं करना है कि पूरी इंक बाहर निकल जाए, बस थोड़ा चेक करना है रेगुलर इंक आ रही है। इंक आने के बाद आपको इसको हटाना है, ठीक है, हटाने के बाद सेक्शन स्लॉट ओपन करना है, और जो ही सेक्शन स्लॉट ओपन करेंगे उसके बाद आप वाइट पेपर पे किसी पर भी आप वाइट पेपर लेके इसको चला लेना है, ठीक है। यदि ये कार्टिज बराबर से चल रही है, ठीक है, तो आप देख ले कि ये रेगुलर चल रही है, तो फिर आप ये देखिए ये तो पहले से ऑलरेडी ख़राब कार्टिज थे इसलिए स्लो नहीं कर रही है, तो सही कार्टिज होगी, आप रिफिलिंग करेंगे तो इस तरीके से ये चलने लगेगी और ये प्रॉपर वे में चलेगी। तो आप इसको वापस नीचे कार्टिज को ओपन करके ये देखिए ये स्लॉट में आप लगा देंगे। लगाने के बाद फिर आपको प्रिंटिंग लेनी है। प्रिंटिंग लेने के बाद फिर आपको प्रिंटिंग देनी है। प्रिंटिंग देने के बाद भी यदि यही प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप एक बार और तरीके से आप इसको कार्ट सेक्शन स्लॉट लगा के और दोबारा निकाल ले और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।